कर दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टीम प्रेडिक्शन में। आज बाल्क लेजेंड वर्सेस कंधार नाइट्स में मैच खेलने चले वाले हैं, जो कि 19 मैच है अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के। थर्सडे को 18 अक्टूबर अफगानिस्तान के टाइम के हिसाब से 12 बजे से खेला जाने वाला है शारजाह क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट एवरेज इनिंग स्कोर है 149, सेकेंड एवरेज इनिंग स्कोर है 131, हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 215 6 विकेट में 20 ओवर में बना है, जो कि अफगानिस्तान जिम्बाब्वे में खेला गया था। लोएस्ट टोटल है यहाँ पे 10 ओवर में 90 10 विकेट में अफगानिस्तान नीदरलैंड के बीच। हाईएस्ट चेस है यहाँ पे 140 3 विकेट में 17.3 ओवर अफगानिस्तान स्कॉटलैंड। लोएस्ट डिफेंडेड यहाँ पे 194 8 विकेट में 20 ओवर में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। टीम स्क्वाड की बात करें तो बाल्क लेजेंड के 19 मेंबर के स्क्वाड है। तो कंधार के भी 17-18 मेंबर का स्क्वाड है, तो आज कोई भी चेंजेस कर सकते हैं बाल्क लेजेंड की टीम, क्योंकि बाल्क लेजेंड की टीम पॉइंट टेबल में टॉपर में है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है कंधार नाइट्स के लिए। नांगहार की टीम का मैच तो ख़त्म ही हो गया लगभग, कंधार नाइट्स अगर ये मैच जीत जाते हैं तो नांगहार बाहर हो जाएंगे। ये डू और डाई वाला मैच है कंधार नाइट्स के लिए। तो ये लोग कंधार नाइट के टीम मैनेजमेंट हमको लगते हैं कि कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बेस्ट प्लेइंग 11 लेके ही उतरना चाहेंगे मैच में। लेकिन आप बाल्क लेजेंड के टीम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, बड़ा बड़ा प्लेयर को रेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि इनके लिए हार जीत कोई बात नहीं है। फिर भी ये मैच उन्होंने जीतना चाहेंगे, टॉपर में जो बैठे बरकरार रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 में कॉलिन मुनरो, दिलसन मुनवेरा, दरवेज रसूली, रायन टेंडेस्कटे, रवि बोपारा, मोहम्मद नबी, गुलाबुद्दीन नायब, इमरान अली खान, मीरवाज अशरफ, आफ्ताब आलम, कौशिक अहमद। कंधार नाइट्स में पॉल स्टेलिंग, असगर अफगान, रिकी विल्सन्स, बैंडन मक्कलम, नासिर जमाल, नजीबुल्ला जदरन, करीम सिद्दीकी, करीम जन्नत, मोहम्मद नबी, सैयद सिराज, वाकर सलम खेली। चलिए दोस्तों ड्रीम इलेवन की टीम देख लेते एक बार। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर मार दीजिएगा, अब नए हो तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमरान अली खान को लेके कोई फ़ायदा नहीं है, इसका बैटिंग बहुत नीचे आता है। कंधार के रिकी विल्सन्स को लेना आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा स्मॉल लीग में। ये एक्चुअली ग्रैंड लीग आज के लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन स्मॉल लीग में टीम दे रहा हूँ तो स्मॉल लीग के लिए मैं बता रहा हूँ। बैटिंग में मैंने क्रिस गेल, कॉलिन मुनरो को दोनों को ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े प्लेयर है, तो शायद से इनको ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि ये प्लेऑफ के लिए खेल सकते हैं, आज भी खेल सकते, कोई कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन मैं यहाँ पे ब्रैंडन मैकलम, यहाँ से बाल्क लेजेंड की टीम से रायन टेंडेस्कटे और पॉल स्टेलिंग को, ये अगला मैच में 20 रन बनाए थे, लेकिन ये हमको लगता है कि एपीएल में इनका सबसे बेस्ट रन है, नहीं तो जीरो पे आउट होते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं इनका, इसीलिए मैंने इनको ड्रॉप किया। असगर अफगान जो अकेले दम पे बहुत लड़ रहे टीम को यहाँ पोजीशन तक लेके आए हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। अब यहाँ से रसोली के ले सकते हैं, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नसीर जमाल भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ पे कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्रिस गेल कॉलिंग मोनो में से ले सकते हैं, स्मॉल लीग में ज़्यादातर आपको यही लोग मिलेगा सबका टीम में। यहाँ से मैंने मोहम्मद रवि को लिए है, भोपारा को भी ले सकते हैं आप, गुलाबुद्दीन नायब, करीम सिद्दीकी लेना नहीं, अब मुनावेरा ड्रॉप भी कर सकते, मुनावेरा के बदले में कॉलिन मुनरो या क्रिस गेल खेल सकते, लेकिन मुनावेरा को मैंने नहीं लिया इसलिए। करीम जन्नत भी एक तो अच्छा प्लेयर है,
इसको तो ड्रॉप करना नहीं है, क्योंकि ये कांधार के टीम से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बेन लाफलिन खेल कोई चांस नहीं है इनका खेलना। मेरे पास अशरफ ये बहुत ही अच्छा बॉलर है, भले अगला मैच में इनको विकेट ना मिला हो। आफ्ताब आलम को ले सकते हैं आप, कैसे का अहमद आपने देखा कल के मैच में इन्होंने 3 विकेट चटकाए, इनको टीम में रखना है तो रख सकते हैं। आमिर हमजा भी आपका पास एक तो ऑप्शन अच्छा है। सैयद सिराज इन्होंने भी अच्छा खेल रहा है सैयद सिराज, लेकिन अगले ये विकेट नहीं मिले इनको। और आप यहाँ से वाकस इनको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चाइनामैन बॉलर है, ये विकेट निकाल सकते हैं, 2 मैच से विकेट नहीं पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आप मेरा ये टीम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आजकर आपको उनको कैप्टन रसोली के वाइस कैप्टन बनाया है। आप चाहो तो करीम जन्नत को वाइस कैप्टन, रायन रेनर्स के कैप्टन, रसोली को कैप्टन, ऐसा कुछ चेंजेस कर सकते हो अपना टीम में, कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से देख लेना। मैंने ऐसा टीम बनाया है आप लोगों के लिए, ये मेरा टीम। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।